नमस्कार, आप देख रहे हैं VGTV भारत और मैं हूं आयुषी महर्षि आपके साथ। नवंबर का आखिरी सप्ताह और दिसंबर का पहला महीना फिल्म और सीरीज पसंद करने वालों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने मनी हीस्ट के 5वें सीजन का दूसरा भाग जारी कर दिया गया है। इस साल के आखिरी तक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, वूट सेलेक्ट और Z5 समेत अन्य OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। चलिए एंटरटेनमेंट बज में आपको बता देते हैं OTT पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल बेकरार, जो कि 26 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है। हबीब फैजल निर्देशित दिल बेकरार में राज बब्बर, पद्मिनी कोल्हापुरे, पूनम ढिल्लो, अक्षय ओबराय और सहर बांबा मुख्य भूमिकाओं में है। यह अनुज चौहान के नॉवल दोस्त प्राइज ठाकुर गर्ल्स का वेब सीरीज रूपांतरण है। तो चलिए वहीं दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं छोरी, जो कि 26 नवंबर को अमेजन प्राइम पे रिलीज होने वाली है। प्राइम पर हॉरर फिल्म छोरी रिलीज होने वाली है, जिसमें नुसरत भरूचा लीड रोल में है। विशाल पूरिया निर्देशित फिल्म लपा छपी नाम से आई मराठी फिल्म का आधिकारिक रूपांतरण है। तो वहीं चलिए तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं मनी हीस्ट की, जो कि 3 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। एलेक्स मीना द्वारा निर्मित मनी हीस्ट एक बार फिर से अपने आखिरी सीजन के साथ वापस आ रही है। ये नेटफ्लिक्स पर 3 दिसंबर को रिलीज होगी। इस सीजन में प्रोफेसर को जान का खतरा भी है, ऐसे में डकैती कैसे कामयाब होगी इसे देखना हर किसी को इंतजार है। तो चलिए वहीं बात कर लेते हैं बॉब बिस्वास की, जो कि 3 दिसंबर को Z5 पर रिलीज होने वाली है। बॉब बिस्वास का प्रीमियर 3 दिसंबर को Z5 पर रिलीज होगा। बॉब बिस्वास 2012 में आई सुजाय घोष की फिल्म कहानी के एक किरदार का नाम था। फिल्म में अभिनेता शाश्वत चटर्जी बॉब के किरदार में नजर आए थे, जो कि एक LIC एजेंट था जो भाड़े पर हत्या करने का काम भी करता था। भले ही उस फिल्म में बॉब एक सपोर्टिंग किरदार के तौर पर नजर आया था, लेकिन अब दिया अत्रिपूर्णा घोष उसे लेकर ही फिल्म बना रही है। फिल्म में अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनसाइड एल्स सीजन 3, जो कि 3 दिसंबर को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। 3 दिसंबर 2021 को दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और सीमाओं में प्राइम मेंबर्स इनसाइड इस सीजन 3 के सभी 10 एपिसोड को स्ट्रीम कर सकते हैं। क्रिकेट की पॉलिटिक्स, ग्लैमर, पैसों को लेकर शायद इससे बेहतर कोई और शो देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अरण्यक की, जो कि नेटफ्लिक्स पे 10 दिसंबर को रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की पहली वेब सीरीज अरण्यक 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। अरण्यक की कहानी एक भयानक जंगल और एक रहस्यमय शहर के बीच घूमती है। विनय वाइकुल ने इसका निर्देशन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली वेब सीरीज की तरफ, जो है मित्रल मुरली, जो कि 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। टोविनो थॉमस अभिनीत मलयालम सुपर हीरो की फिल्म मित्रल मुरली 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म एक छोटे से शहर के एक दर्जी के बारे में है। बिजली के बोर्ड का झटका लगने के बाद वह सुपर पावर के साथ जागता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी अगली मूवी की, जो कि है अंतिम, जो कि Z5 पर रिलीज होने जा रही है। खबर है कि आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का प्रीमियर भी Z5 पर ही होगा, जबकि फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर में रिलीज की जाएगी। हालांकि ये खबर कितनी सच है इसको लेकर किसी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारी अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है Aarya 2, जो कि डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर रिलीज होगी। Aarya 2 जल्दी ही डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो जाएगी। वेब सीरीज आर्या में सुष्मिता सेन आर्य को लीड रोल प्ले कर रही है। पहले पार्ट में सुष्मिता की एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया था। फैंस बेसब्री से दूसरे पार्ट के इंतजार में हैं। तो चलिए आज की हमारी फिल्म सूची में बस इतना ही। आगे की एंटरटेनमेंट की अपडेट के लिए देखते रहिए VGTV भारत। नमस्कार।